Continue with the revision of surface area and volume. Start exercise 13.1. ये टोटल सरफेस एरिया में से इसे माइनस नहीं करना, डू ऑल द सम्स.
Next question. Question number three. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आप उसमें टोटल सरफेस एरिया में से बेस का एरिया माइनस कर रहे हो या टॉप का, तो बेटर है कर्व्ड सरफेस एरिया में एक चीज ऐड कर लो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। आप देखो ज्यादा फाइन करके माइनस कर रहे हो, तो बेटर है कर्व्ड में आप टॉप या बॉटम जो आपको एक चीज चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया एल बी ऐड करो, वो ज्यादा बेटर है, उसमें कम कैलकुलेशन है, इसलिए हमेशा वही करना चाहिए। आंसर आएगा दोबारा चेक करोगे, ऐसे 2l + b into h + lb, ठीक है वो लगाओ, वो बेटर है। एक तो आपका टाइम सेव होगा, ऊपर से आपको ज्यादा कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। हाँ कर दो, ये रब करके कर दो, ये रब कर दो, थोड़ा डिटेल यहाँ कर दो। माइनस माइनस करके सिर्फ 5.5 थोड़ी आएगा, पूरी निकालो 5.45, 7.3250 में से 1.875 को माइनस करो ना, ठीक है आ रहा है 12 बन गया, 12.5 टोटल कॉस्ट भी रखिए ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल, फोर वॉल्स को पेंट करने का गिरता है, अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देते हो तो आपके पास फोर वॉल्स का एरिया आ जाएगा, टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड करते हो तो एरिया ऑफ फोर वॉल आ जाएगा, पहले वो निकालो उसका फॉर्मूला लगा दो, फिर फॉर्मूले वहां से देख लें। एरिया फोर वॉल 150 आएगा ना, ये तो पैरामीटर है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, क्या लेक्चर दे रहे हैं उसको, आप दोनों घर जाके भी बात करते हो,
four me I need six. Six I need. कटिंग का लुक नवे आ रहे हो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कस्टर्ड देवरी से रब करके थोड़ा इधर से स्टार्ट करो स्क्रीन से बाहर जा क्वेश्चन नेक्स्ट हां जी कौन से क्वेश्चन पे हो थर्ड आप यहां से स्टार्ट करो फिफ्थ क्वेश्चन कलर ले लो बेटा ब्रिंग दैट बॉक्स अपना क्वेश्चन रीड करो और कोई डाउट है तो उनसे पूछो इधर से देख के मत करो कोई बेनिफिट नहीं होगा टोटल कॉस्ट गिवन है 15,000
हमसे चेक कर, डिवाइड करना है अभी एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक. ठीक आ रहा है? ये पॉइंट दो डिजिट के बाद यहाँ आएगा. प्लस प्लस ठीक करो, प्लस भी गलत हो जाएगा. प्लस वाला चेक करो फिर आंसर चेंज आएगा. आंसर नहीं आया अभी तक आपका. डेसिमल कहाँ लगाया आपने? डेसिमल के बाद दो डिजिट आपके तीन कैसे हो गई? आंसर क्या आ रहा है इसका? फोर्थ का नहीं है अब. प्लस गलत किया बच्चे, प्लस करके आ रहा है. प्लस कहाँ की है? प्लस करके 468.75. हाँ 468.75 लिख रहा है, लिखा तो है आपने. ये आया ना कुछ भी, यहाँ तो आई सॉफ्ट ये उसको मल्टीप्लाई करो. 169 कहाँ से आ गया? प्लस ठीक कर रहे हो लेकिन लिख गलत रहे हो आप.
बुद्धिमान आ जाओ नेक्स्ट आपके टर्न है इसके बाद 4L plus 4B plus 4H. 4H. कर दो नेक्स्ट पॉइंट रब कर दो इसी वाइट नेक्स्ट में जो 12 एजेस की लेंथ निकालनी है ना टेप की दैट इज 4L प्लस 4B प्लस 4H क्योंकि लेंथ 4 वैसे 12 एजेस होते हैं ना उसमें से 4 जो होती है लेंथ होती है 4 ब्रेथ 4 हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर में जो दिया हुआ वो मीटर में है यूनिट लगा के कन्वर्ट करो उसके बाद आंसर आएगा आपने डायरेक्ट ही कटिंग कर दी यूनिट चेक करो यूनिट अलग नहीं रखी है यूनिट चेंज करो वहीं पे चेंज कर दो ऊपर ही लेकिन लिख के करो सेंटीमीटर में है ना जो मीटर में दे रखा है ना उसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर है ना 1 मीटर में 100 हो गए तो इसको 100 इनटू 100 से मल्टीप्लाई करो कोई बात नहीं कर लेने दो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे ना नीचे 4 जीरो आएंगे ना नीचे 30 आएंगी 3 से कैंसिल होगी ठीक है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर अब डिवाइड करो ये रब कर दो नीचे वाला अब निकालो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो डिवाइड करो ये टेप की लेंथ निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर में आएगी ना मीटर स्क्वायर में क्यों आएगी एरिया थोड़ी निकाल रहे हो और कन्वर्ट भी कर रहे हो आप उसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हो स्क्वायर हटाओ 340 सेंटीमीटर और अगर कन्वर्ट करना हो अच्छा आपने लास्ट में 25 है 30 लिख दिया लास्ट में हाँ वो उसकी वजह से आपका 20 इंक्रीज हो गया ठीक करो ऐड करो दोबारा चलो मगन आ जाओ आप सेवेंथ करो मगन आप एट्थ करो रिद्धिमा आप एट्थ करो सेंटर में प्लस करके भी कर सकते हैं अलग अलग भी कर सकते हैं सेम आए दोनों को प्लस करके एक बार निकाल लो 5% फिर ऐड कर दो
ब्रिजेश मत कर मैंने कोई और नंबर था उसपे सेंड करी थी मेरे को इतना पता है जिस नंबर से आपने सेंड की थी ना मैंने उस पे नहीं सेंड करी मैंने रीसेंड करी किसी और पे सेंड करी थी आप देखो9.7 कैसे आ रहा है 12 + 7 = 9 + 5 = 29.5 आएगा तो वर्बली प्लस हो रहा है 59 अर्णव मुंह बंद कर ले अच्छा पता है क्या गलती है Boys. TSA closed cylindrical tank क्लोज मीन्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्लोज है टोटल
इसी को रब करके करोगे बेटा और काम करोगे, रब कर दो, आंसर नोट कर लो, बाकी रखो। Thank you.